हेलो, मैं हूं अव्वल। बारबेक्यू, इस वर्ड के तीन मतलब हैं। बारबेक्यू को बीबीक्यू भी कहा जाता है। बारबेक्यू को ज्यादातर बी ए आर बी ई सी यू ई स्पेल किया जाता है, पर आजकल कई लोग इसे बी ए आर बी ई क्यू यू ई स्पेल करने लगे हैं। दोनों ही ठीक है। आइए देखते हैं बारबेक्यू के वो तीन मतलब क्या है। पहले मतलब में बारबेक्यू खाना बनाने के तरीकों में से एक तरीका है। खाना बनाने के क्या तरीके हैं? हम ब्रेड को बेक करते हैं, हम मोमोज को स्टीम करते हैं, हम नूडल्स को बॉयल करते हैं, हम समोसों को फ्राई करते हैं। इसी तरह से बारबेक्यू भी खाना बनाने के तरीकों में से एक तरीका है। इसमें हम लकड़ी या लोहे के ढांचे के नीचे आग जलाते हैं और ऊपर मीट या फ्रूट या कोई वेजिटेबल या फिर पनीर को पकाते हैं। ये खाना बनाने के एक और तरीके ग्रिल करने के जैसा है। बस फर्क इतना है कि बारबेक्यू में आग बहुत धीमी रखी जाती है। आग खाने को छूती नहीं है, सिर्फ उस धीमी आंच की गर्मी और धुआं खाने को पकाते हैं। ग्रिल के तरीके में आग को तेज रखा जाता है और आग खाने को छूती भी है। बारबेक्यू में खाना पकने में टाइम जरूर लेता है क्योंकि आंच धीमी होती है, पर खाना स्वाद में बहुत मजेदार बनता है। इस वर्ड को इंग्लिश सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। आई एम गोइंग टू बारबेक्यू चीज। मैं पनीर को बारबेक्यू के तरीके से पकाने जा रहा हूं। दिस मीट इज बारबेक्यूड। इस मीट को बारबेक्यू करके पकाया गया है। लेट्स बारबेक्यू द पाइनएप्पल। पाइनएप्पल को बारबेक्यू करके पकाते हैं। बारबेक्यू का दूसरा मतलब, बारबेक्यू करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला ढांचा, उसको भी बारबेक्यू बोलते हैं। आजकल मार्केट में अलग अलग साइज के बने बनाए ढांचे मिलते हैं। आपको सिर्फ उन्हें खरीद के लाना है, उसमें लकड़ी या कोयले से आग जलानी है और फिर अपना खाना पकाना है। बारबेक्यू के इस मतलब की कुछ इंग्लिश एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। I will buy a new barbecue next week. अगले हफ्ते मैं एक नया barbecue apparatus खरीदूंगा। Light up the barbecue. Barbecue में आग जला दो। You have a nice barbecue. तुम्हारा barbecue बहुत अच्छा है। Barbecue का तीसरा मतलब, आपने barbecue खरीदा और सोचा कि क्यों ना दोस्तों को बुलाया जाए, फिर बारबेक्यू करके खाना पकाया जाए और उनके साथ खाया जाए, उनके साथ कुछ अच्छा वक्त बिताया जाए। बारबेक्यू वाला खाना खाने के बहाने से की गई उस छोटी सी गैदरिंग, उस छोटे से प्रोग्राम को भी बारबेक्यू बोलते हैं। इंग्लिश सेंटेंसेस की एग्जांपल्स देखते हैं। ही इनवाइटेड मी टू द बारबेक्यू। उसने मुझे बारबेक्यू पार्टी में आने के लिए न्योता दिया, मुझे आमंत्रण दिया। वी हैव अ बारबेक्यू नेक्स्ट संडे। अगले संडे हमने बारबेक्यू का प्रोग्राम रखा हुआ है। वैसे खाना बनाने का तरीका भी बारबेक्यू, उसका ढांचा भी बारबेक्यू और फिर उसको खाने का प्रोग्राम भी बारबेक्यू। बारबेक्यू पे बारबेक्यू, बारबेक्यू पे बारबेक्यू, बारबेक्यू पे बारबेक्यू, फिर बारबेक्यू करते करते इंसान खुद बन जाता है एक बारबेक्यू। मेरे में सनी देओल आ गया था, सो भूल जाइए पिछले सीन को और मुझे बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी इसे लाइक करके। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग इंग्लिश लेसन्स के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू, बाय बाय।